आय अरे भैया जियो डीटीएच हो जी हाँ मजा आ रहा है। जी हाँ दोस्तों मजा आ रहा है। जियो डीटीएच हर तरफ शोर शराबा यही है कि जियो डीटीएच आ रहा है। लेकिन दोस्तों आज का टॉपिक हमारा ये नहीं है कि जियो डीटीएच आ रहा है, हमारा टॉपिक आज का ये है कि क्या ये जियो डीटीएच आपको मिल पाएगा, क्या ये जियो डीटीएच जियो सिम की तरह सफल हो पाएगा। जियो डीटीएच वर्सेस जियो सिम आज का टॉपिक हमारा है। आज की वीडियो का थीम ही यही है जियो डीटीएच वर्सेस जियो सिम। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर दिया है। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, भैया गिरना मत, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, दिल आपका गार्डन गार्डन करेगा। गार्डन गार्डन बोलते हैं ना, हाँ जो भी बोलते हो ये प्यार की भाषा है, प्यार वाले ही समझेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हो चुकी है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जियो डीटीएच वर्सेस जियो सिम क्या है। दोस्तों जियो सिम आज से 4 साल पहले आया और आते ही पूरे इंडिया में अपना कब्जा जमा लिया। तो क्या जियो डीटीएच ठीक उसी प्रकार से अपना कब्जा जमा पाएगा? तो दोस्तों बात करते हैं जियो सिम की। जियो सिम आता है तो जानते ही हो आप लोग कि हर एक गांव हर एक कस्बे में टावर लगता है उसकी क्षमता के अनुसार और दूरी के हिसाब से, यानी कि यूजर्स के हिसाब से ही वहाँ पे जो क्षमता होती है उस हिसाब से टावर लगता है और रेंज होती है 10 किलोमीटर की होती है, किसी की 12 किलोमीटर की होती है, किसी किसी टावर की होती है 40-40 किलोमीटर भी वो आ जाता है सिग्नल, हाँ अगर यूजर्स कम है तो। और ज़्यादा दूरी पे होगा थोड़ा सा इंटरनेट और कॉलिंग वगैरह में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन काम चलता है। लोगों ने देखा कि 350 रुपये का सिम है और 3 महीने की वैलिडिटी 1.5 GB पर डे, वाह मजा आ गया। लोगों ने लेना शुरू कर दिया जियो सिम और रातों रात जियो सिम की TRP बढ़ गई, अपनी भाषा में TRP ही कहेंगे, और जियो सिम वायरल हो गया, वायरल ही कहेंगे यार, यानी कि पॉपुलर हो गया और प्रसिद्ध हो गया और रातों रात कहाँ से कहाँ जियो सिम पहुँच गया और इंडिया का नंबर 1 हो गया और इसका शायद विदेशों में भी नेटवर्क है, शायद नहीं कन्फर्म। लेकिन दोस्तों जियो गीगा फाइबर आ रहा है। जियो गीगा फाइबर किस हद तक ये ऊपर उठ सकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपनी सोच रख रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। देखिए जियो गीगा फाइबर में जो है कि केबल बिछाया जाता है और उस केबल के जरिए ही आपको कनेक्शन मिलता है। लेकिन दोस्तों हमें अभी हम जहाँ पे हैं है उत्तर प्रदेश की राजधानी, यहाँ पे मैं जिस एरिए में रहता हूँ अभी बहुत सारे रिहायशी इलाकों में केबल बिछा नहीं है जियो गीगा फाइबर का, ब्रॉडबैंड का, तो कहाँ से यहाँ पे उनका जो हम अगर यूज करना भी चाहें जियो गीगा फाइबर, जियो डीटीएच और जियो की तमाम सेवाओं का आनंद लेना चाहें 700 रुपये पर मंथ में, कम से कम 700 रुपये इसका मंथली चार्ज है, तो कैसे मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ फेल हो जा रहा है। जैसे कि बरसों पहले लैंडलाइन हुआ करता था और लैंडलाइन के जरिए लोगों के पास फ़ोन हुआ करता था और कभी कभार ऐसा होता था आंधी तूफान आता था तो तार कट जाता था, लेकिन यहाँ तो तार अंडरग्राउंड है तो यहाँ पे भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो मेरी समझ से कुल मिला जुला के पूरा घुमा फिरा के यार ये चीज़ यहाँ पे नहीं सफल होने वाली है। अब देखो क्यों नहीं सफल होने वाली है, यहाँ पे भी राज है। जियो गीगा फाइबर के लॉन्च होने से पहले ही एयरटेल ने अपना एक्स स्ट्रीम नामक जो एंड्रॉयड बॉक्स है वो लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत है 3500 या 4000 के आसपास में है और वो 999 रुपये में 1 साल तक आपको सभी चैनल्स बिल्कुल फ्री में दे रहा है, सब कुछ पूरी डिटेल तमाम एप्लीकेशन है वहाँ पे बिल्कुल फ्री दे रहा है, लेकिन ये भी इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होगा। हो सकता है इस जो एक्सट्रीम एंड्रॉयड बॉक्स है नेट से ही ये भी कनेक्ट होगा, लेकिन हो सकता है इसमें सिम का स्लॉट हो या हो सकता है आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हो और बहुत सारी यहाँ पे मतलब चीज़ें हैं जो कि हमें लग रहा है कि इसमें फ़ायदा है। 700 रुपये पर मंथ देने से बेहतर होगा कि 999 एयरटेल एक्स एक्सट्रीम हम लगवा लें, अगर लगवाना चाहे तो, लगवाने का मन है तो। और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। अब ये वीडियो का यहाँ पे ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम और भी धमाका मचाने वाले हैं, और भी बताने वाले हैं, थोड़ा और पूरी तरह से खुल के एक्सप्लेन करने वाले हैं इन सब सारी विषयों के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि दोस्तों जब तक आप
वन बाई वन हमारी वीडियोज को सही तरीके से देखोगी नहीं तो समझोगी नहीं। देखिए बहुत सारी ऐसी बात मैं मिस हुआ होऊंगा यहाँ पे, लेकिन आपको भी समझना होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस वीडियो में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैंने खुल के बताया और समझाने की कोशिश की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोग उस चीज़ को समझ नहीं पाए होंगे। तो इस चीज़ को समझिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि लैंडलाइन जो जियो गीगा फाइबर है ये वायर से कनेक्ट होगा और वायर का कोई भरोसा नहीं है और इसका लाइफ मैं नहीं समझता होगा। जिस प्रकार से लैंडलाइन था, फोन आया, लैंडलाइन ख़त्म हो गया, ठीक उसी प्रकार से जो जियो है इसको कुछ और करना होगा तभी ये इंडिया में सक्सेस होगा, नहीं तो गांव देहात में कहां तक ये केबल बिछाएंगे यार, पूरा इंडिया को जाल थोड़ी बना देंगे, केबलों का जाल बना देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी अंदरूनी बातें हैं, ये तो 12 तारीख को लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि क्या और सच्चाई है। बाकी दोस्तों इस वीडियो का पार्ट टू आपको मैं दिखाऊंगा और भी पूरी तरह मैं एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भंडाफोड़ भी होगा और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी होंगी। हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।